इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज के फिफ्थ T10 मैच के बारे में, जो आज का लास्ट T10 मैच रहेगा ECC T10 का। ये मैच आपका खेला जाएगा दोस्तों अस्टिया डेट मीन्स AUT की टीम, और इनके सामने दोस्तों DEN की टीम डेट मीन्स दोस्तों डेनमार्क की टीम। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग का क्या कम्बिनेशन रहेगा स्मॉली के लिए, मिनी GL और ग्रैंड लीग में किस तरह से प्लेयर को रोटेशन में लेना है। ध्यान रखिएगा रोटेशन बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी क्या है ना मैचेस एक टीम के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सभी लोगों को सभी प्लेयर के बारे में पता ज़रूर है, लेकिन रोटेशन समटाइम ना आपका कम्बिनेशन बहुत अच्छा कर जाता है। तो रोटेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा मिनी GL और ग्रैंड लीग क्रैक करने में, क्योंकि अभी क्या है ना दोस्तों T10 में 5 मैच हो रहा है, लेकिन जो सबसे लास्ट मैच होता है डेट मीन्स आज का ये वाला मैच, हमेशा उस मैच में ग्रैंड लीग सबसे बड़ा होता है और सबसे बेस्ट चांस होता है ग्रैंड लीग निकालने का, क्योंकि रात का टाइम रहता है, बहुत लोग सो गए हुए रहते हैं। आज मैं जग के रहूँगा और कोशिश रहेगा इस मैच में मिनी GL निकालने का। इस मैच के रिगार्डिंग दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आप कमेंट सेक्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर भी फर्स्ट कमेंट जो है ना वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग विकेट कीपिंग सेक्शन में, जहाँ पे विदाउट एनी थिंकिंग यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है, बस ए नईम को ले लेना है, क्योंकि ये ओपन बैटिंग करेगा, टी टर्नर दोस्तों खेलता भी है तो 9 नंबर पर बैटिंग करेगा, जो दोस्तों कहीं से आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। और ए अरीब को दोस्तों अभी तक टीम ने चांस दिया नहीं है, कोई भी मैच में नहीं दिया है, तो ऑप्शन ही बस आपके पास एक ही है, तो बस आप ट्राई कर लो इनको। यदि दोस्तों आते हैं हम लोग बैटिंग सेक्शन में, यहाँ पे आर महमूद का ऑप्शन मिलेगा। महमूद आपको ओपन बैटिंग करने आता है, ठीक ना, पहला मैच फ्लॉप गए थे टूर्नामेंट का, दूसरा मैच बहुत अच्छा खेले थे, और आज का जो तीसरा मैच है उसमें ठीक खेल रहे थे, लेकिन ज़्यादा रन नहीं कर पाए, 11 रन ही स्कोर किए। बैटिंग पोजीशन लेकिन हमेशा इनका टॉप में रहता है, आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे, ट्राई आप चाहो दोस्तों तो कर सकते हो। नीचे दोस्तों एम महमूद का ऑप्शन मिलेगा, देखो आर महमूद और एम महमूद, इसमें दोस्तों ये जो प्लेयर है ये दोस्तों बॉल को देख के खेलने वाला प्लेयर है, जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। महमूद ना एकदम प्योर हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, आएगा तो एकदम दोस्तों टिक गया तो लंबा मारेगा, नहीं तो दोस्तों एकदम स्टार्टिंग में ही आउट होके चले जाएगा, ज़्यादा बॉल भी नहीं, स्टार्टिंग में ही दोस्तों आउट होके चले जाएगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि आप रिक्स लेना चाहते हैं और दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप महमूद को चाहो तो ड्रॉप करके रिक्स ले सकते हैं। ओके, आई आसिफ दोस्तों बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे कर रहे हैं, कहीं से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं रहेंगे। एस खान ख़राब प्लेयर नहीं है, बस एस खान का प्रॉब्लम आपको क्या दिख सकता है, थोड़ा सा स्लो खेलता है, पहला मैच ठीक ठाक गया था, दूसरा मैच दोस्तों टोटली फ्लॉप गए थे, आज का जो इन्होंने तीसरा मैच खेला है इसमें थोड़ा बेटर इन्होंने बैटिंग किया है, 14 बॉल में 31 रन का स्कोर किया है। लेकिन स्टिल देखो दोस्तों इनको आप तभी पिक कर सकते हो जब आप ऐसा टीम बना रहे हो जिसमें आप क्या कर रहे हो ना, डेनमार्क के दोनों ओपनर को नहीं ले रहे हो। मैं बता रहा हूँ सिंपल सा आप लॉजिक समझो, एस खान दोस्तों वही मैच में परफॉर्मेंस करेगा जिस मैच में डेनमार्क के दोनों ओपनर फ्लॉप होते हैं, एस खान वो मैच में परफॉर्मेंस कभी भी नहीं करेगा जिस मैच में इनके दोनों जो ये मेन प्लेयर है ना दोनों यदि परफॉर्मेंस करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला मैच दोनों परफॉर्मेंस नहीं किए, एस खान ने रन किया, दूसरा मैच दोनों ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, एस खान फ्लॉप गए, तीसरा मैच दोनों दोस्तों फ्लॉप रहे जल्दी आउट हो गए तो एस खान परफॉर्मेंस किया। के सिंह को 100% आपको लेके ही चलना है, सभी टीमें ओपन बैटिंग कर रहे हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं अपने टीम के लिए, तो ये तो आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई अहमद किसी भी टीम में नहीं लेना है, बी खान खेल नहीं रहे दोस्तों, एम खान खेल रही नहीं है। अब बात कर लिए दोस्तों आर सिग्वाल, तो देखो बैटिंग फर्स्ट में मेरे को लगता है आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड आपको बैटिंग करने आता है, जो ख़राब प्लेयर नहीं है, परफॉर्मेंस पहला मैच ख़राब गया था बट दूसरा और तीसरा मैच में इन्होंने ज़्यादा लंबा तो नहीं खेले बट आपको थोड़ा सा रन करके दिए है, इस मैच में भी 25 रन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम का बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ख़राब ऑप्शन आपके लिए नहीं है, 46% सिलेक्शन है। इधर से एज कंगोई ज़रूर ले लेना, खतरनाक फॉर्म में चल रहा है, चाहे आप बॉलिंग ले लो चाहे दोस्तों आप बैटिंग ले लो, दोनों से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं टीम के लिए, 100% इंपॉर्टेंट रहेंगे। बी जालमी पहला मैच ज़बरदस्त, दूसरा मैच ज़बरदस्त, तीसरा मैच फ्लॉप गए, और तीसरा मैच फ्लॉप जाने का रीज़न बताता हूँ, पता नहीं टीम को दोस्तों क्या खलबली मचा था,
कि इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया गया। जो तीसरा मैच हुआ था जर्मनी के अगेंस्ट, ये हमेशा दो नंबर पे बैटिंग करते थे, उस मैच में इनको तीन नंबर पे भेजा गया, इसी वजह से ये बंदा फ्लॉप गया। नहीं तो ये फ्लॉप दोस्तों जल्दी जाता नहीं है, कंसिस्टेंट आपको हमेशा परफॉर्मेंस करके देता है। नीचे दोस्तों एक बाल रख सकते हैं, क्योंकि एक बाल यदि बैटिंग आ गया तो वो भी कर लेता है। बॉलिंग इसका इम्पॉर्टेंट है, दो ओवर का बॉलिंग करता है, अच्छा बॉलर है, जेन्युइन बॉलर है, ट्राई कर सकते हो। मार्क सिप्सन पार्कर, देखो दोस्तों पहला मैच 6 नंबर पे बैटिंग करने आए थे, दूसरा मैच 6 नंबर पे ही आए थे, लेकिन जो आज का तीसरा मैच हुआ है ना उसमें इनको फर्स्ट राउंड भेजा गया था। लेकिन वही अब इनका लक इतना ख़राब है कि फर्स्ट राउंड बैटिंग करने तो ज़रूर आए लेकिन बैटिंग से कुछ किए नहीं, फ्लॉप होके चले गए। आप लेना चाहो दोस्तों ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रिया की टीम ना इस मैच में भी सिप्सन पार्कर को थोड़ा पहले बैटिंग करने के लिए भेज सकती है। मैं दिखाता हूँ, लास्ट मैच में ये फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आ गए थे। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा ना, रिक्स बस एक ही प्लेयर पे लेना। आप इधर से आर सिग्वाल को पिक कर सकते हो, नहीं तो इधर से सिप्सन पार्कर, दोनों एक टीम में आप कभी भी मत लेना, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो टीम, मेरा फाइनल टीम पे फोकस मत करो, प्रेडिक्शन पे फोकस करो, तभी आप बेस्ट टीम आराम से बनाओगे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रेडिक्शन मेरा T10 में ऐसा है ना कि कभी भी फ्लॉप नहीं जाता है, चाहे मैं जो आपको बेस बताता हूँ, चाहे मैं जो आपको रोटेशन बताता हूँ, 10 में 8 मैच हमेशा आपका निकल जाएगा। तो प्रेडिक्शन पे फोकस कीजिए। सिप्सन पार्कर और आर सिग्वाल दोनों को एक टीम में नहीं लेना है, लेना किसी एक ही को है, क्योंकि मुझे पता है एक ही परफॉर्मेंस करेगा और एक ज़्यादा रन नहीं कर पाएगा। तो यदि आप सिप्सन पार्कर को लेना चाहते हो, लास्ट मैच में फर्स्ट राउंड आया था, पिक कर सकते हो, नहीं तो इधर से आप आर सिग्वाल भी ले सकते हो, ठीक ना, ये रोटेशन ध्यान रखिएगा। बी अताब अहमद, बॉलिंग आपको दो ओवर का कंफर्म करके देंगे, बैटिंग इनका उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं दोस्तों, अच्छा नहीं है बॉलिंग, लेकिन दो ओवर का कर सकते नहीं, 100% करेंगे। आप ट्राई करना चाहो एज अ बॉलर ले सकते हो। नीचे से और कोई मुझे खास ऑप्शन दिख नहीं रहा है जिनको मैं आपको रिकमेंड करूँ। बॉलिंग सेक्शन से एम रजा, इस टीम के डेनमार्क टीम के एक सबसे इम्पॉर्टेंट बॉलर है, जो आपको डेथ में बॉलिंग करने आते हैं और बैटिंग से चांस मिला तो वहाँ से भी रन कर लेते हैं। पिक हम लोग कर सकते हैं, ख़राब प्लेयर नहीं है दोस्तों, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है अपने टीम के लिए, आप देखोगे, और वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे इन्होंने अच्छा किया है। नीचे से एस जादरान अभी तक कोई मैच में अच्छा नहीं किए, कोई मैच इनका अच्छा नहीं किया है बॉलिंग से, लेकिन ये मैच एक ऐसा मैच है जहाँ पे ये बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम का देखो, ये जो प्लेयर है ना इनके टीम का टॉप ऑर्डर में एम महमूद और आर महमूद, मुझे लग रहा है महमूद यदि टिक गया तो इनके ये जो एस जादरान है इनको अच्छा खासा 200 माइनस में पॉइंट ये दे सकते हैं। यदि नहीं टिकता है तो जदरानी है कि 200 एम महमूद को आउट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा रिक्स है, बट यदि हम लोग ले सकते हैं तो देखो जदरान को आप पिक करके जा सकते हो, क्योंकि फेवर भी आप देखो ना हम लोग ऑस्ट्रिया टीम को ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे जदरान होना इम्पॉर्टेंट है। डब्ल्यू जाल में आपको एक ओवर ज़रूर करेगा, दूसरा ओवर डिपेंड करेगा कि इनका फर्स्ट ओवर कैसा जाता है, बॉलिंग इनका भी एवरेज ही रहा है। देखो एक और चीज़ आप समझो, ये दोनों को एक टीम में मत लेके जाना, नहीं तो वो कम्बिनेशन आपका ख़राब कर सकते हैं, ख़राब कर नहीं सकते, कर देंगे। दोनों में से किसी एक को ही लेना है, चाहे आप जादरान को रखो या दोस्तों डब्ल्यू जालमी को रखो, ठीक ना। एक को नहीं ले रहे हो तो एक को आप, यदि आप मिनी जीएल ग्रैंडली खेल रहे हो वहाँ पे आप एक प्लेयर को उठा लेना, ठीक ना, क्योंकि स्मॉल लीग में तो यार एक ही टीम लेके जाएंगे ना, बट मिनी जीएल ग्रैंड लीग में तो फ्रीडम है, जितना चाहे उतना टीम बना सकते हो, तो यहाँ पे ये रोटेशन ज़रूर कीजिएगा। सोरेन दोस्तों मुझे लग रहा है इस मैच में फ्लॉप जा सकता है, क्योंकि सामने वाली टीम के जो ओपनर बैट्समैन है काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली के सिंह, तो सोरेन मुझे लग रहा है इस मैच में ज़्यादा बेटर नहीं करना चाहिए। विकेट लेता भी है तो एक विकेट ज़्यादा से ज़्यादा ले ले, और लेगा भी तो किसका लेगा मैं बताता हूँ, ए नईम का ले सकता है, लेना भी चाहे तो। मुनीर एकदम आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, पहला मैच खराब गया, खराब नहीं बहुत ख़राब, दूसरा मैच भी बहुत ख़राब, तीसरा मैच अभी चल रहा है जहाँ पे बैटिंग से तो इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बॉलिंग मेन इनका रहता है, देखते हैं तीसरा मैच कैसा जाता है उसके अकॉर्डिंग पिक करेंगे। देखो मुनीर के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, टीम इनको एक ही ओवर दे रही है, पहली ओवर में इतना ज़्यादा ये रन दे देते हैं ना कि कैप्टन का इन पे भरोसा ख़त्म हो जाता है। यूसुफ को तो मैं नहीं लूँगा, नीचे से अभी के लिए डी रहमान में ले लेता हूँ, ओपन बैटिंग करते हैं, बढ़िया प्लेयर है, पहला मैच अच्छा गया था, दूसरा मैच खराब गया था, दूसरा मैच बेटर गया था, और अभी का जो तीसरा मैच है ना यार जबरदस्त खेले हैं,
25 बॉल में 77 रन का स्कोर किए। ओपन बैटिंग कर रहे हैं इसी वजह से मैं ले रहा हूँ, बॉलिंग दोस्तों ज़्यादा नहीं करते हैं, ऐसे टूर्नामेंट में चांस नहीं मिला है। तो ध्यान रखना कम्बिनेशन अपना रेडी है, रोटेशन के लिए जदरान डब्लू जालमी में से किसी एक प्लेयर को लेना है, फिर ऑलराउंडर सेक्शन में किसी को आप रोटेशन में यूज़ करना चाहते हो तो इधर से बी अताप और इधर से एम राजा दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, ये आपका दूसरा रोटेशन हो गया। तीसरा रोटेशन आपको पता ही है, आर सिगवाल और इधर से एम सिप्सन पार्कर दोनों में से किसी एक को ही लेना है। ये तीन रोटेशन आपको इस मैच में ज़रूर कंसीडर करके चलना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि देखिए जो मैं फाइनल टीम दे रहा हूँ पता चले जो मैंने और एक्स्ट्रा प्लेयर आपको एक एक बताया है ना ये परफॉर्म ना करके वो कर जाए। तो स्मॉल लीग में इसको लगा लीजिएगा और मिनी जीएल में क्या कीजिएगा जो मैंने सेकेंड आपको रोटेशन बताया उसको आप सेट करके चले जाइएगा, ठीक ना। कैप्टन बीसी किसको करना है, तो देखो कैप्टन बीसी के लिए केसिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, बी जालमी और इधर से एज कोगनी। तो इस मैच में जो कैप्टन बीसी आप करोगे चाहे आप दो जो टीम बना रहे हो दोनों टीम में कोशिश करना यही तीन प्लेयर को एज अ कैप्टन और एज अ वाइस कैप्टन ट्राई करके चले, ठीक ना। तीसरा कहाँ गया, ये रहा। अब देखो ये तीन में कैसे कर सकते हो, यदि आप सामने वाली यदि आप दोस्तों अस्टिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को सिर्फ कैप्टन बीसी ले जाना चाहते हो बस ये दोनों को कर लेना कैप्टन बीसी। यदि आपको लगता है कि मैच जो है ना आप ऐसा टीम बना रहे हो जिसमें आप दिखा रहे हो मैच जो है ना वो बाइलेंस पे चलेगा क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अस्टिया का विकेट जाएगा तो ऐसे कम्बिनेशन में आप एच गवनी को भी बीसी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना ये बैटिंग ओपन आएगा, ये बैटिंग आपको दो नंबर पे करेगा ज़्यादा से ज़्यादा तीन नंबर पे और ये आपको पाँच नंबर पे बैटिंग करने आएगा। ओके आई होप दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गया होगा और उम्मीद करते हैं इस मैच में स्मॉलिंग मिनी जीएल दोनों का जो मैंने टीम दिया है दोनों आपको लगाना है कोशिश और उम्मीद करते हैं बेस्ट रैंक आप लोग लेके ज़रूर आइएगा, ठीक ना। और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और पूरा कोशिश रहेगा आज के दिन इस मैच को हम लोग फाइनल ज़रूर करें और मैं जग के ही रहूँगा इस मैच में, आप टेंशन मत लो। जिन भाइयों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है ज़रूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक एक बार आप फिर से चेक करो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा इसी वीडियो का या आप कमेंट सेक्शन में जाके देखिए वहाँ भी अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और जो भी फाइनल कम्बिनेशन दो उसके साथ अपना कम्बिनेशन आप लेके जा सकते हैं, ओके ना। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी आप बजा दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का इजीली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, डैट मीन दोस्तों कल का जो एलिमिनेटर मैच का पहला वीडियो रहेगा, मिलते हैं उस वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।